नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदल लिया है और चौकीदार नरेंद्र मोदी कर दिया है। इसके बाद से तमाम केंद्रीय मंत्री, लगभग के लगभग सभी केंद्रीय मंत्रियों ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल को देखते हुए अपना नाम बदलकर आगे चौकीदार लगा लिया। इसके साथ ही साथ मैं भी चौकीदार हैशटैग करके शेयर भी किया गया है। आपको बता दें कि एक मुहिम चलाई गई है जिसके तहत एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें मैं भी चौकीदार करके कंटेंट डाले गए थे। इसमें भ्रष्टाचार और बाकी हर तरह की योजनाएं जो नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से चलाई गई हैं, इस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया था और 31 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ने की अपील की गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पेज का नाम बदल लिया और आगे चौकीदार लगा करके चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया। इसके बाद देखा देखी सभी ने प्रधानमंत्री को फॉलो करते हुए अपने आगे चौकीदार लगाने का काम किया, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो या फिर प्रवक्ता हो। हम एक एक करके तकरीबन उन लोगों का नाम बताएंगे, उन मंत्रियों का, उन नेताओं का, उन प्रवक्ताओं का जिन्होंने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया है और हैशटैग मैं भी चौकीदार करके अपने ट्विटर पेज पर शेयर किया है। तो उनमें है, पहले तो नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने खुद अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया है ट्विटर पेज पर। उसके बाद जेपी नड्डा, उन्होंने भी आगे चौकीदार लगा लिया है। रविशंकर प्रसाद हैं, केंद्रीय मंत्री ये भी हैं, इन्होंने भी अपने नाम के आगे चौकीदार ट्विटर पेज पर लगाया है। इसके साथ ही साथ अमित शाह हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया है। पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया है। इसके साथ ही साथ बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता भी हैं संबित पात्रा, इन्होंने भी अपने नाम के आगे चौकीदार ट्विटर पेज पर लगाया है। अब बात कर लेते हैं कुछ बिहार के नेताओं के और प्रभारियों की। तो नित्यानंद राय बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने नाम के आगे ट्विटर पेज पर चौकीदार लगाया है। इसके साथ ही साथ भूपेंद्र यादव बीजेपी के प्रभारी हैं, बिहार प्रभारी, उन्होंने भी अपने नाम के आगे ट्विटर पेज पर चौकीदार लगाया है और मैं भी चौकीदार हैशटैग करके शेयर किया है। इसके साथ ही साथ नंद किशोर यादव हैं और मनोज तिवारी जो कि दिल्ली से सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया है। बिहार सरकार में मंत्री है बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव, उन्होंने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया है। तो इस तरह की एक मुहिम जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो उसके बाद किन योजनाओं को प्रमोट किया गया, किस तरह से लोगों की भलाई के लिए, देश के हित में, जनता के हित में फैसले लिए गए और चौकीदार शब्द का प्रयोग होने लगा। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है और जो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसता है वही चौकीदार है। तो अब कहीं ना कहीं चौकीदार वर्ड अब ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगा है। इसके साथ ही साथ तमाम केंद्रीय मंत्री, लगभग केंद्रीय जितने केंद्रीय मंत्री हैं सभी ने जो बीजेपी के हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया है। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हर छोटी बड़ी खबर जो कि चुनाव से जुड़ी हो, उम्मीदवारों से जुड़ी हो, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, किस पार्टी को कौन कौन सी, किस किस को कौन कौन सी सीटें मिली हैं, इन सभी बातों पर लाइव सिटीज आपको सबसे पहले और सबसे तेज अपडेट दे रहा है। सबसे बड़ी कवरेज, महाकवरेज लोकसभा चुनाव 2019 पर लाइव सिटीज कर रहा है। आप लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।